नमस्कार, राधा की रसोई में आपका स्वागत है। कौन कहता है कि व्रत का खाना बेस्वाद होता है। जरा सा मेहनत किया जाए तो फलाहार को स्वादिष्ट और सेहतमंद बनाया जा सकता है। तो चलिए आज हम आपको बहुत ही स्वादिष्ट और सेहतमंद आलू का हलवा बनाना सिखाते हैं। आलू का हलवा बनाने के लिए हमें चाहिए 2 बड़े साइज का आलू। आलू को छीलकर हमने बारीक ग्रेट कर लिया है। हम पानी में ग्रेट करेंगे जिससे कि आलू का रंग काला न पड़े, और ग्रेट करने के बाद इसको 2-3 पानी अच्छी तरह से धो लेंगे ताकि आलू से सारा स्टार्च बाहर निकल आए। 1 कटोरी चीनी, देसी घी, कुछ कटे हुए मेवे, छोटी इलायची, नींबू का रस, सेंधा नमक। तो चलिए हलवा बनाना शुरू करते हैं। अब हम सबसे पहले आलू को, ग्रेट किए हुए आलू को 10 मिनट बॉयल करेंगे। जब तक आलू बॉयल हो रहा है तब तक हम दूसरे साइड एक कढ़ाई में 1/2 चम्मच घी ऐड करेंगे। अब घी गर्म हो गया है, उसमें कटे हुए मेवे डालेंगे और इसको रोस्ट कर लेंगे। अब हम आलू में 1/4 चम्मच सेंधा नमक ऐड करेंगे और इसको मिला लेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, आलू उबल चुका है। अब हम इसको छन्नी से छान लेंगे। हमने मेवों को भूनकर निकाल लिया है। अब हम कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच देसी घी है। घी के मेल्ट हो जाने के बाद ये ग्रेट किया हुआ आलू जो हमने बॉयल करके रखा है इसको डालेंगे इसमें और इसको भूनेंगे। अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी ऐड करेंगे। आपको जितना मीठा पसंद हो आप उसके हिसाब से चीनी डाल सकते हैं। अब आलू को मुलायम होने तक पकने देंगे। आलू को हम ढक देंगे और अपने गैस का फ्लेम मीडियम करेंगे। हमारे आलू से घी छूटने लगा है। अब हम इसमें इलायची पाउडर ऐड करेंगे और रोस्ट किए हुए मेवे, सभी को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अब हम इसको चलाते हुए 2 मिनट और पकाएंगे। हमारा हलवा अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम लास्ट में इसमें 1/2 छोटा चम्मच नींबू का रस ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। हमारा गर्मा गर्म हलवा तैयार है। अब हम इसको सर्व करेंगे। अब हम हलवा को ड्राई फ्रूट से गार्निश करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा आलू का हलवा बनकर तैयार है। आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करिए। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आलू का हलवा व्रत में बनाकर खाइए और सबको खिलाइए।